जो ये मुझे भाई ये जो वकील साहब है जयन आनंद देहाद्रई जिनके आरोप के ऊपर ही निशिकांत दुबे ने ये लिखा है, मैं थोड़ा इसलिए मुझे याद आ गया कि तुषार मेहता और संजीव भट्ट में एक जमाने में बहुत गहरी दोस्ती थी, ये गुजरात के सारे लोग जानते हैं। और ये लोग इतनी दोस्ती थी कि पारिवारिक संबंध थे, दोनों लोग एक साथ अमेरिका जाते थे। और फिर जब मामला बना हुआ तो तुषार मेहता का कहना है कि इन्होंने मेरे कंप्यूटर से वो कुछ वहां की सूचनाएं उठाई थी, क्योंकि इनको मैंने कंप्यूटर का एक्सेस इसलिए दिया हुआ था कि टिकट टिकट निकालना होता था, तो ये इसलिए मैंने कंप्यूटर अपने कंप्यूटर का पर्सनल एक्सेस दिया हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूं मुझे वो वाली बात याद आ गई थी एक तो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आज संजीव भट्ट कहाँ पे हैं और उनके बच्चे अभी भी 2-4-10 दिन पहले एक कुछ कार्यक्रम में उन लोग बोले थे उनकी लड़की उस मुहिम को आगे बढ़ा रही है, उसी तरह की बात यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे भी जयानंद दहेदराई साहब जो हैं वो एक एक बेबुनियाद बात को कह रहे हैं, लेकिन चूंकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और किसी भी वकील को एक 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 दिक्कत क्या होती है, आप देखेंगे कि वकील को इनकम टैक्स का नोटिस बहुत कम जाता है, ना के बराबर जाता है। वकील अपने में ही कोई भी वकील हो, मैं सारे वकीलों के बारे में ये कह रहा हूं कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, वो भाई कानून को ठीक से जानते हैं, तो कानून से निकलना कैसे है इसको भी ठीक से जानते हैं। मैं थोड़ा इस पे भी आपका एक एक तो एक टिप्पणी आपकी, जो निशिकांत दुबे जिस तरह की बातें कह रहे हैं, जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, महुआ मैत्रा को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आज देश उनको अपनी नेत्री के रूप में मानता है, वो भले ही टीएमसी की सांसद हो लेकिन जब वो बोलती हैं तो हम लोग भी अगर उसको सुन नहीं पाते हैं तो बाद में लगता है जरा सुन ले देखें क्या कहा था। तो इन दोनों लोगों की जो विश्वसनीयता है उसके बारे में, और एक जो गुजरात में इस तरह का एक प्रकरण हो चुका है, संक्षेप में अगर एक बहुत संक्षेप में उसको भी अगर बता दें। जी, आपने जो बताया संजीव भट्ट के बारे में वो बहुत चर्चास्पद रहा। वो बहुत अच्छे अधिकारी भी थे, और उस जमाने में जब बीजेपी के साथ उसके संबंध अच्छे भी थे, एक जमाना था सत्ता में आने से पहले, 1995 में बीजेपी सत्ता में आई, 1998 में शंकर सिंह वाला हुआ और फिर से एक बार बीजेपी सत्ता में आई और फिर जाके थोड़ी सी मजबूत हुई थी। लेकिन उससे पहले 1990 में और इनसे भी पहले संजीव भट्ट अच्छे ऑफिसर भी माने जाते थे। वो जब जेलर बनाए गए तभी बहुत काफी पॉपुलर हुए थे। अब ये थोड़ा सा अलग ढंग से है। फिर जब संबंध बिगड़े, आपने जो बताया वो तुषार मेहता के साथ जो संबंध बिगड़े, वो 2002 के बाद जो भी कुछ घटना हुआ और एक मीटिंग हुई थी नरेंद्र मोदी के साथ ऑफिसर्स की, उसमें संजीव भट्ट ने जो कुछ बताया उसके बाद संबंध बहुत ही खराब हो गए। फिर संजीव भट्ट को कुछ भी करके उसको काबू में रखना जरूरी हो गया था, तो उसके सामने जो केस किया गया संजीव भट्ट के सामने, बहुत पुराना, मतलब जब केस हुआ उसी वक्त वो शायद 25 साल पुराना वो केस था। वो जब नए नए पुलिस ऑफिसर बने थे गुजरात में और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में थे और सोमनाथ से रथ यात्रा निकली थी, तो सभी जगह बंदोबस्त किए गए थे क्योंकि वो थोड़ा सा मामला टेंस तो हो ही गया था उस वक्त। सभी डिस्ट्रिक्ट में, वो सोमनाथ से काफी दूर है जामनगर, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी पुलिस जो ऑफिसर्स होते हैं वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि प्रिकॉशंस लिए जाए, तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो कोशिश कर रहे थे कि रथ यात्रा के समर्थन में कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह कर ले। उसमें से एक आदमी की डेथ हो गई थी, वो जब उसको पकड़ा गया, काफी लोगों को, उसमें से नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उनकी डेथ हो गई थी। थोड़ा बहुत पुलिस के सामने शंका भी हुई, थोड़ा बहुत केस हुआ, लेकिन फिर वो भुला दिया गया, वो पूरी बात वहां खत्म हो गई। वही केस 25 साल के बाद संजीव भट्ट के सामने खुला था, और ऐसा कई लोग माना जाते हैं कि जिस जो आदमी मारा गया था उनके परिवार में से काफी लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, तो जब पहली बार वो पुलिस कस्टडी में थे और उनका देहांत हो गया उस वक्त इस तरह के आरोप नहीं लगे थे, ऐसा बचाव पक्ष का कहना है। और संजीव भट्ट की जो वाइफ है वो भी वही कह रही कि उस जमाने में जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तभी तो उन्होंने नहीं कहा था कि मेरे साथ पुलिस ने बहुत बर्बरता की। लेकिन 25 साल के जब केस बना तब सभी बयान वगैरह उसमें जोड़े गए और उसी वजह से संजीव भट्ट को काफी परेशानी हुई। इसका मतलब इस तरह से हम जोड़ सकते हैं कि एक कोई किसी को अगर आपको परेशान कर रहा है जो आपके खिलाफ गया है कुछ भी वजह से, तो आप बहुत पुराने केस भी निकाल सकते हैं, या तो कोई ऐसे केस भी निकाल सकते हैं, या तो ऐसे किस्से निकाल सकते हैं, या तो कोई ऐसी चीज निकाल सकते हैं जिससे आप उनको
परेशान कर सकते हैं। तो उनका मतलब यह है कि महुआ मोइत्रा के सामने आप उनको होता है, अभी ये नहीं कह सकते बीजेपी ने शायद करवा लिया होगा, लेकिन जो भी है वो वकील ने जो भी कर दिया उनके अपने रीजन है। आपने इंट्रो में बताया कि एक जमाने में वो दोनों साथ काम भी करते थे, लेकिन फिर महुआ और ये जो वकील है उनके बीच कुछ समस्याएं हुई, जो भी हुआ लेकिन उसका फायदा आप शायद उठाया जाएगा। शराब घोटाला में जिस तरह से पूरा केस बिल्ड किया गया, मुझे लगता है इसमें शायद यही हो सकता है। जैसे संजय सिंह का नाम पहला तो नहीं था, लेकिन जिसके सामने आरोप थे घोटाले में, वो अप्रूवर हो गए, कोर्ट ने अलाउ किया अरोरा को और बाकी जो है उनको अप्रूवर बनाया जाए। उन्होंने फिर जो नाम लिया संजय श्री का, उसको आधार बना के संजय श्री को भी अब एक्यूज बनाया गया है। तो ये शायद महुआ मोइत्रा के केस में भी ऐसा ही हो सकता है, कोई एक वकील है वो आके कुछ कह रहा है। उन्होंने एक जो बात की है वो थोड़ा सा मानना मुश्किल लग रही है। उन्होंने कहा लॉगिंग क्रेडेंशियल्स, मतलब अगर आपको एक अकाउंट बना के दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो आप कुछ एक्सेस कर सकते हैं, अब वो कोई अपना लॉगिन पासवर्ड और आईडी दे दे, मुझे तो नहीं लगता महुआ मोइत्रा दे देगी, शायद कोई एमपी है वो दे सकते हैं, अपने सहायक को दे सकते हैं, इतने अगर वो आईटी सावी नहीं है टेक सावी नहीं है तो शायद उनको देगा, लेकिन उसकी नजर तो रहेगी क्या हो रहा है। लेकिन महुआ मोइत्रा जो फॉरेन में बैंकर रह चुकी है, बहुत बड़े पदों पर रह चुकी है, वो आईटी को बहुत अच्छी तरह से समझती है, और बैंकिंग में जब आप आईटी पे काम करते हैं या तो कंप्यूटर में काम करते हैं इसमें बहुत ही केयर लेनी होती है, क्योंकि बड़े फाइनेंशियल जब ट्रांजेक्शन होता है तो वो खुद ही करना होता है, वो किसी पे छोड़ नहीं सकते। आप लोग न तो लॉगिन दे सकते ना तो यूजर आप आईडी आप दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। तो इतना ये पूरा अपना अकाउंट ही दे दे हीरानंदानी को, ये तो मानना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। और दूसरी बात, वो ऐसा कहा जा रहा है कि हीरानंदानी अदानी के राइवल, अरब आज भारत में अदानी से कौन राइवल नहीं कर सकता, वो इतने बड़े हो गए हैं। हीरानंदानी भी बड़े है, इसमें मना नहीं है, वो भी बहुत बड़े बिल्डर है बंबई में, लेकिन अदानी के सामने कुछ नहीं है। उनका जो अदानी का एक छोटा सा कारोबार है रियल सब जस्ट को उनको कहेंगे छोटा सा कारोबार रियल एस्टेट का, वो इतना बड़ा है कि वो हीरानंदानी के सामने आके खड़ा हो जाएगा। पूरे ग्रुप की राइवलरी तो बहुत मुश्किल लगती है। गुजरात में बहुत बड़ा उनका प्रोजेक्ट बना है और धारावी में ये पूरा रियल एस्टेट का ही प्रोजेक्ट है जो अब जाके अदानी को मिला है, और अदानी वहां मुंबई में भी रियल एस्टेट के काम है, लेकिन उनकी राइवलरी, अब उनको राइवल कहना भी मुझे लगता है ठीक नहीं है, अब इतने अदानी बड़े हो गए। तो ठीक है, अभी कहा है सीबीआई की जांच की मांग की है, जो वकील है वो सीबीआई जांच करेगी, पॉसिबल है अगर वो केस करती है तो जो कुछ है वो आएगा सामने आ जाएगा। और हमारे जो पहले गेस्ट थे उन्होंने जो बात कही थी वो स्टिंग ऑपरेशन था, वो स्टिंग ऑपरेशन के आधार पे उनको साबित कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर स्टिंग ऑपरेशन को तो हम मानने ही छोड़ दिया, उस जमाने में मान लिया लोगों ने, लेकिन अब तो कोई मान नहीं रहा स्टिंग ऑपरेशन को। और पाठक साहब ने जो कहा और आपने भी आनंद जी अपने इंट्रो में जो कहा था, एमपी के पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं ये हमारे सवाल है आप उठाइए, ये पब्लिकली कहा जाता है, ऐसा ही नहीं कि प्राइवेटली कहा जाता है, पूरा डेलीगेशन आता है एमपी को मिलते हैं, उनको कागज दिए जाते हैं सवाल दिए जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारी समस्या है आप ये समस्या संसद में जाके उठाइए, ये तो पब्लिकली कहा जाता है। और सांसद कई बार कहते हैं कि लोग मेरे पास आए उनका जो सवाल है वो मैं संसद में उठाऊंगा या तो उठाऊंगी, तो ये तो एमपी का काम है सवाल उठाना। अगर एक ही विषय पे, वो भी पाकर जी ने कुछ सही कहा कि कोई निष्णात होता है अपना एक्सपर्ट होता है कोई सब्जेक्ट में तो उनका सवाल वो उठाएगी, उनका काम ही उठाना है। लेकिन इसमें ये पूरी जो पनिशमेंट देना है आपको प्रोसेस से, वो जो प्रोसेस शुरू हुई है वो प्रोसेस जो आप पनिशमेंट दे रहे हो प्रोसेस से, मुझे लगता है इनका हिसाब महुआ मोइत्रा के सामने होगा। अब आगे जाके वो साबित होगा कब होगा पता नहीं, कब वो प्रिविलेज कमेटी बैठेगी और बाकी जब होगा तब होगा। लेकिन उसके सामने जो दूसरी एक सीरियस बात है, वो एलिगेशन तो सिर्फ करप्शन का है मनी का है,
पैसे लेने का, गिफ्ट लेने का। लेकिन इसके सिवा जो कैंपेन चला रहा है सोशल मीडिया में, बहुत सारे ऐसी तस्वीरें रिलीज की जा रही है महुआ मोहित्रा की जो उसके पर्सनल लाइफ के साथ जुड़ी हुई। अब ये पॉलिटिक्स में आने से पहले ये समझ रहा है वो सक्सेसफुल फॉरेन में बैंकर रह चुकी है, वो अच्छा खासा कमा भी लेती है, और अगर है वो मॉडर्न है फैशनेबल है तो उनका सवाल, अगर वो अच्छी अगर बैग रखती है तो उनसे क्या है कि किस तरह के सवाल है कि पूछे जाते हैं। और एक जो वीडियो क्लिप चला रही है कि उन्होंने बैग है वो छुपा दिया, वो कैसे छुपाई, वो बैग लेकर वो घूम रही है पूरी जगह, तो सिर्फ संसद में बैठे तभी अपने डेस्क के नीचे डालेगी, ऐसी कोई ऐसी वाहियात बात तो थोड़ी हो सकती है। मतलब पूरा मामला उसको बदनाम करना और ये जो प्रोसेस है पनिशमेंट बाय प्रोसेस पनिशमेंट करना, फिर निकलेगा नहीं ऐसा कुछ ऐसा आप लग रहा है। लेकिन ये इस बुरे अलग से देखेंगे, सवाल पूछना जो बाहर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अब तो ये भी एक इशारा दी जा रहा है कि संसद में भी मत पूछिए, आप सांसद है संसद में आपको प्रिविलेज प्राप्त है तो वहां शायद आप तो पूछ भी लेंगे बोल भी लेंगे, लेकिन अलग तरीके से आपको बहुत परेशान किया जाएगा, और कम से कम अदानी के बारे में तो मत ही पूछिए, ये मैसेज जा रहा है, इसमें तो कोई मना नहीं कर सकते।